नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बटवाल आपके चैनल बटवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय सेना दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। आज 75वां राष्ट्रीय सेना दिवस देश भर में मनाया जा रहा है, जिसका आज विशेष कार्यक्रम सेना के द्वारा देश में किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। वायुसेना को जो है 83 तेजस लड़ाकू विमान और मिलने वाले हैं। अमेरिका के 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को मौत की सजा सुनाई गई है। और जो मैं बात करूं, देश में जल्द ही पोलियो टीकाकरण की शुरुआत होगी, मैं इसके बारे में आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। और ट्रंप के खिलाफ जो है दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। ये एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति है जिनके खिलाफ दो दो बार, एक और 2019 में और एक और फिर से जो है राजद्रोह का उकसाने के आरोप में जो है उनको उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। और मैं बात करूं तो देश भर में बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप जारी है, सो सभी को एग्जाम सेंटर आप पहुँच रहे हैं तो सावधानी से पहुँचे और पूरा एकदम ठंड से बचने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संसद का बजट सत्र जो है 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, तो 3 सत्र होते हैं, उसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। तो ये था कुछ जानकारियां जो कि इम्पोर्टेंट था, आगे चलते हैं विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ कि आज के क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं जिसके जवाब भी साथ में होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, जिसमें प्रत्येक दिन एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, तो आज भी खास एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा, तो ज़रूर देखें इसको आप। उसके बाद थाट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का वो गुरूर है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अपने इंस्पायर होकर के अपने आप को एक पॉजिटिव थाट के साथ आगे बढ़ते हैं। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के भी है, तो ज़रूर एक बार देखें। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब आगे बढ़ते हुए, कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और कल का जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा है तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2001 में जिमी वेल्स और लेडिस एंगर के प्रयास से विकिपीडिया का शुभारंभ हुआ, यानी 2001 में विकिपीडिया का शुभारंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत की कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1934 में भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1934 में बिहार के भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1929 में अमेरिकी धार्मिक नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1759 में लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय पहली बार जनता के लिए खोला गया। आज ही के दिन वर्ष 1888 में पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का जन्म हुआ। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देखा जाए तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, जिनका जन्मदिन 1934 को हुआ। और मैं बात करूं तो विकिपीडिया का शुभारंभ 2001 में किया गया, जो लेडिस एंगर और जिमी वेल्स ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से इसको शुरुआत की थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जरूर पढ़ें इसको, नोट्स जरूर तैयार करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देश के लिए, एक इतिहास बनने जा रही है। तो मैं बात करूं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण के निमित्त देश भर के राम भक्तों का सहयोग लेने के लिए 15 जनवरी से निधि निर्माण अभियान का शुभारंभ। देश के प्रथम नागरिक की आन राष्ट्रपति के समर्पण निधि के साथ होगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के संचालक कुलभूषण आहूजा राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सुबह अप्राह्म यानी आज 11 बजे मुलाकात किए। राष्ट्रपति ने 5 लाख का दान दिया। इस अभियान के दौरान विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लाखों कार्यकर्ता देश के 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। निधि संपन्न अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये की कूपन जारी करेगा। 1000 से अधिक राशि के माध्यम से रसीद के माध्यम से दी जाएगी और 20,000 से अधिक राशि अकाउंट या चेक के ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। कूपन रसीद पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का
हस्ताक्षर भी होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी योगदान है हम सभी के लिए। तो जरूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जरूर योगदान दें, क्योंकि हमारा आने वाला पीढ़ी इसको जरूर देखेगा। तो चलिए आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, आज का पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान इस विशेष समारोह में आर्मी चीफ आरकेएस भदौरिया, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शिरकत की। सेना ने देसी ड्रोन का अभ्यास किया, शक्ति का प्रदर्शन किया और शहीदों का सम्मान किया। तो सॉरी मैं बता दूं कि 73वां जो है 75वां गलती से निकल गया था, 73वां सेना दिवस मनाया गया देश में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा। इसका शुरुआत जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी 30 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को जो है टीकाकरण का शुरुआत करेंगे, यानी कल करने वाले हैं। तो इस टीकाकरण में जो है पोलियो टीकाकरण 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3रा चरण आज शुभारम्भ हुआ। देश भर में जो है प्रधानमंत्री ने इसका शुरुआत की और देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में इसको शुरू होने जा रहा है। PMKVI 3.0 के तहत जो है इस योजना को 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर लगभग 948 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं। इसके तहत जो है 200 से अधिक औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण देने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा और 8 अप्रैल तक यह बजट सत्र जो है चलने वाला है 2 हिस्सों में। पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 3 सत्र इसका जो है इंडियन कैबिनेट का संसद का चलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंदे देकर राम मंदिर निर्माण अभियान की शुरुआत की। तो 5 लाख 1 रुपया उन्होंने शुरुआत किया सबसे। उनके बाद जो पहला डोनर जो था गुजरात सूरत का हीरा व्यवसायी था, जिसने 11 करोड़ रुपया दान दिए हैं। उसका 1 करोड़ 11 लाख रुपया कर किसी के द्वारा दिया गया था, यानी इस तरह से देश भर में 13 करोड़ लोगों के द्वारा दान जो है दिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी पुण्य की काम है, तो आप सभी बढ़ चढ़ कर जरूर दें, इसमें मेरी अनुरोध है आपसे। सबसे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देश भर के 12 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के PF मॉड्यूल की व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ये देख सकते हैं देश के 12 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के PF मॉड्यूल की व्यवस्था किया गया है, जिसके तहत PF का पैसा जो है निकालने के लिए अब कर्मचारियों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल पर जो है सारी जानकारी उनको मिलेगी और PF का पैसा सीधे उनके खाता में अकाउंट में मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सरकार की योजना जो है रेल मंडल के द्वारा शुरू की जा रही है DRM के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेब 1 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार योगाभ्यास में पंजाब के वयस्क अव्वल हैं। तो मैं इससे पहले बता दूं, इससे पहले जो है बूढ़ों यानी बुजुर्गों की रिपोर्ट दी गई थी, बताया गया था कि 2050 तक जो है आबादी 30 करोड़ हो जाएगी बुजुर्गों की। 17.5% जो है अभी लगभग 10.5% बुजुर्गों की आबादी है। तो ये देख सकते हैं कि भारत में कितने उम्र के लोग जो है कुल कितने योगाभ्यास करते हैं। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा 63% लोग ज़्यादा अभ्यास करते हैं। नागालैंड की बात की जाए, उसका सबसे ख़राब स्थिति जो है मिजोरम की है, ये रिपोर्ट दिखाया गया, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ता बढ़ता टेक हब बना। तो ये देख सकते हैं टॉप 5 देश शहरों में लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का भी नाम है। 2016 से 2020 के बीच जो है 5 गुना हुआ बेंगलुरु में निवेश। तो लगातार जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता देश और पूरा दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या जिस तरह सेक्टर में जाए, यानी पर टेक्नोलॉजी पर दुनिया डिपेंडेंट है और बेंगलुरु जो है लगातार हब बनता जा रहा है दुनिया का। सिलिकॉन सिटी जो है इंडिया का बेंगलुरु है ही।
नेक्स्ट देते हैं, ऑनलाइन शिक्षा कंपनी बायजूस 7300 करोड़ रुपये में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण करेगी। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा कंपनी जो है बायजूस लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी उन्होंने जो है लगभग 3000 करोड़ रुपये में कोई एक कंपनी का भी अधिग्रहण किया था। अभी लगभग 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की इसकी मार्केट कैपिटल बायजूस की बन चुकी है। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवहन है ना, संवहन को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। संवहन केवल द्रव और गैस में होता है, यानी संवहन किसे बोलते हैं, पदार्थों में ऊष्मा का ऊपर नीचे होना ही संवहन कहलाता है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें का उपयोग होता है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड है ना रेज का इस्तेमाल होता है। केवलियर ने केवलियर ने जीवों को 2 जगत यानी 2 किंगडम में बांटा है। उसी तरह से बात की जाए तो हेकल ने 3 जगत में, कॉपलैंड ने 4 जगत में, विटेकर ने 5 जगत में, स्मिथ ने 6 जगत में बांटा है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट, डेंटिस्ट यानी डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, शेविंग मिरर, सोलर कुकर, टॉर्च में किया जाता है। इसको जरूर याद रखें। और उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उसको साइड मिरर के रूप में यानी गाड़ी के बगल में जो सीट के बगल में है ना, गेट के बगल में, विंडो के बगल में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में होती है पीछे देखने के लिए, यानी दूर की चीज़ों को बड़ा आकार में देखना है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए सवाल। आगे देखते हैं जीरो कार्ड्स एंड जीरो एमिशंस, ये मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट चल रहा है 470 करोड़ रुपये का, छोटी 170 किलोमीटर लंबा, 39 लाख का लगभग करीब ये प्रोजेक्ट, 39 लाख करोड़ का। तो वहाँ के राजा जो है सलमान ने ये शुरू किया है। देख सकते हैं 170 किलोमीटर लॉन्ग डेवलपमेंट कॉल्ड द लाइन रखा गया है। 500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। नियन इज की पार्ट ऑफ प्रिंस प्लान टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम क्रूड, द सिटी वुड बी बिल्ट ऑन अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसजिट एंड ऑटोनोमस मोबिलिटी सॉल्यूशंस एंड लास्ट क्वेश्चंस इफ इट इज रियलिस्टिक एंड कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट नीडेड। तो ये देख सकते हैं दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये है, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर डिपेंड करने वाला है और बिल्कुल एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यानी रोड सड़कें नहीं मिलेगी, ना ही कार बसें चलेगी, एकदम बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट पर दुनिया भर की नज़रें चल रही है। नेक्स्ट मैं बता दूं बेसिक फैक्ट्स अबाउट द केरला। केरला की 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुई। राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 है और 144 विधानसभा सीटें हैं। पिनरैया जी जो हैं इसके मुख्यमंत्री हैं। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मदद मिलेगा और मैंने काफ़ी कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। तो ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है, तो आप जरूर देखें और लोगों को शेयर भी जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबक कर कल फिर वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे चैनल पर नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू।